खबर कुशीनगर जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी तमकुही राज फूलचंद्र के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान क्रम में मंगलवार को स्वाटवा थाना तरैया सुजान के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जहरी नाला NH-28 के पास से अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करी गैंग के 5 साथियों को गिरफ्तार किया गया। विजय साहनी, देव यादव, विजय प्रसाद, राम विलास, अंगद पटेल को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 51 किलो का गांजा तथा 2 मोटर बाइक भी बरामद की गयी। आपको बता दें कि गांजे की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। थाना तरैया सुजान और एसओजी की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 5 अंतरराज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया। इनमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 51 किलोग्राम से अधिक गांजे की बरामदगी हुई है, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक है। ये पांचों व्यक्ति उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से गांजा को कलेक्ट करके बिहार के रास्ते से कुशीनगर लेके आए थे और इनकी आगे की योजना कुशीनगर, गोरखपुर और इन क्षेत्रों में गांजे की सप्लाई करने को थी। तो कुशीनगर क्षेत्र में ही तरैया सुजान के थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनकी धरपकड़ की गई और इनसे ये बरामदगी की गई। ये लोग किसको बेचने वाले थे, इसकी भी तलाश और पड़ताल की जा रही है, अन्य कार्रवाई हो रही है। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में और आप काफ़ी बरामदगी हुई गांजे की, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं तस्कर जो नया नया तरीका आजमा रहे हैं, उसको कैसे ट्रेस कर रही है? देखिए, तस्करों ने निश्चित रूप से, जैसा कि आपने पहले भी देखा था, जो नेबुआ नेवरंगी में पकड़ा गया था, तो उन लोगों ने गाड़ियों के डिक्कियों में, गाड़ियों की खिड़कियों में, सीट के अंदर इस तरीके से गांजे को छुपा के सप्लाई कर रहे हैं। तो ये अलग अलग माध्यमों से और अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन